हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर फॉर अमाउंट डेबिटेड बट कैश नॉट रिसीव्ड। समटाइम्स क्या होता है कि हम एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, हमारे अकाउंट से वो कट तो जाते हैं बट वो जो पैसे टेक्निकल एरर के कारण पैसे नहीं मिल पाते हमें, तो ऐसे केस में हम कैसे एप्लीकेशन लिख सकते हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको आपका नाम लिखना है, योर नेम जहाँ मैंने लिख रखा है यहाँ पे आपको आपका नाम मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस, आपकी सिटी, स्टेट और पिन कोड, आगे आपका मोबाइल नंबर आएगा और इफ ईमेल आईडी आपके पास है तो आपको ईमेल आईडी भी लिखनी है, बतानी है यहाँ पे। उसके बाद में डेट, जिस डेट में आप लिख रहे हैं, द ब्रांच मैनेजर, बैंक का नाम, जिस बैंक में ICICI है, SBI है, किसी में भी है तो आपको बैंक का नाम लिखना है। उसके बाद ब्रांच एड्रेस, जिस एड्रेस में है, पीतमपुरा है, जैसे मैं पीतमपुरा रहता हूँ तो पीतमपुरा है, शालीमार है या जो भी है, ठीक है, आपको लिखना है। उसके बाद आपका सिटी लिखना है वहाँ पे कि कौन सी सिटी में है, स्टेट लिखना है और सिम, वही पिन कोड लिखना है। हमारा सब्जेक्ट उन्हें बताना है, एप्लीकेशन फॉर अमाउंट डेबिटेड बट कैश नॉट रिसीव्ड, ठीक है। अगला है, डियर सर है, मैडम है, जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपके बैंक में जो मैनेजर है वो सर है मैम है, ठीक है। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन एन इशू आई फेस्ड विद माई अकाउंट, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ जो मैंने अपने अकाउंट से जो प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। माई नेम इज, यहाँ पे आपको उसके बाद आपका नाम लिखना है, ठीक है, जहाँ पे मैंने योर नेम कर रखा है। एंड आई होल्ड एन अकाउंट नंबर, आपको आपका अकाउंट नंबर बताना है एट योर ब्रांच, ठीक है, जिस ब्रांच में है, पीतमपुरा, शालीमार, जो आपका एड्रेस होगा उस ब्रांच में होगा, ठीक है, ब्रांच का नाम आपको पता होगा। ऑन डेट, उसके बाद डेट बताना है आपको। आई अटेम्प्ट टू विदड्रॉ अमाउंट, आप अमाउंट लिखना है कि आप कितना अमाउंट विदड्रॉ करना चाहते थे फ्रॉम द ATM लोकेटेड एट लोकेशन, उसको लोकेशन भी बताइए कि किस लोकेशन पे वो ATM था जहाँ पे आप जो है विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू अ टेक्निकल प्रॉब्लम आई डिड नॉट रिसीव द कैश बट द अमाउंट वॉज डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, मतलब जो भी हो मुझे कैश तो रिसीव नहीं हुआ बट जो है मेरे अकाउंट से वो अमाउंट कट चुका है। बिलो आर द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, नीचे जो है हम ट्रांजेक्शन की डिटेल दे रहे हैं, फर्स्ट ATM लोकेशन, जो लोकेशन था, ATM ID, हर ATM का ना एक ID होता है, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, अप्रोक्स आपको पता होना चाहिए कि डेट टाइम क्या था उसका, ठीक है, जिस टाइम में आपके अकाउंट से डेबिट हुआ था या आप जिस टाइम गए थे पैसे निकालने। अमाउंट डेबिटेड, जो अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट डेबिट हुआ है वो अमाउंट आपको बताना है। रेफरेंस नंबर इफ नोन, अगर आपको रेफरेंस नंबर पता है, ठीक है, तो आप रेफरेंस नंबर, जैसे पर्ची होती है ना, पर्ची पे दिए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखना है, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इन्वेस्टिगेट दिस इशू एंड क्रेडिट द डेबिटेड अमाउंट बैक टू माय अकाउंट एट द अर्लीएस्ट, मतलब जितनी जल्दी हो सके आप कोशिश करिए कि मेरा अमाउंट मुझे मिल जाए, ठीक है, आप उस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करिए। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस इन दिस मैटर, और उनको थैंक बोलिए कि हाँ आप अगर असिस्ट कर रहे हैं हमें इस चीज़ के लिए तो उसके लिए आपका थैंक यू। आई हैव अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर योर रेफरेंस, मतलब उसको ज़्यादा बेटर वो समझ पाए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ATM ट्रांजेक्शन रिसिप्ट दे रहे हैं उसको, रिलेवेंट पोर्टल पोर्शन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट जिसमें शो हो रहा है कि हाँ अमाउंट कट चुका है, ठीक है, वो चीज़ें शो कर रहे हैं आप। प्लीज ट्रीट दिस मैटर एज अर्जेंट एंड रिसॉल्व इट प्रॉम्प्टली, इसको आप जल्दी जितनी जल्दी हो सके उतनी सॉल्व करने की कोशिश करिए। वेटिंग योर स्विफ्ट रिस्पॉन्स, थैंकिंग यू योर नेम, इस वे में अगर आप लिखते हैं एज सून एज, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको आपके बैंक से पैसा रिफंड मिल जाएगा। ये थी हमारी वीडियो, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।